जो नहीं बदली है वो हमारे पैरामीटर्स ऑफ सक्सेस जो एजुकेशन सिस्टम में अभी भी है, माने ग्रेड्स हो या रैंक हो या परसेंटेज हो, कभी कभी 99.9% भी काफी है। तो आपको क्या लगता है ये जो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस जो अभी एजुकेशन में ऐसा सेट हो गया है कि हम घर पे भी हमारे बच्चों के साथ भी यही डेफिनेशन दोहराते रहते हैं, तो क्या पहले तो ये डेफिनेशन सही है? जहाँ पे जो आप कहते हो ना कि मेरिट के आधार पे जो बच्चों के चयन होते थे, मुझे लगता है कि ये उसका थोड़ा सा इम्प्लीकेशन आ गया कि जहाँ बच्चों को ये लगा कि, और पेरेंट्स को विशेष करके ये लगा कि अगर अच्छा स्कोर नहीं करेगा तो इसे फिर कहीं कोई जगह अच्छी नहीं मिली। तो पूरे सिस्टम का जो एक सिंक होना चाहिए ना कि अगर आप चाहते हो कि इसको डिस्करेज करना है तो पूरे सिस्टम को उस नज़र से देखना पड़ेगा, चाहे वो स्कूल्स में एडमिशन की बात हो, कॉलेजेज में एडमिशन की बात हो, डिफरेंट जो कैरियर या प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं वहाँ जो मेरिट लिस्ट बनता है बच्चों का, तो वो सारे चीज़ों को आपको मिल करके इंक्लूसिव अप्रोच में देखना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि बाकी हायर एडुकेशन स्कोर बेस्ड काम करता रहे और हम एलिमेंट्री एडुकेशन या मान लो अप टू 12th ग्रेड में कहें कि स्कोर का कोई मतलब नहीं है तो बच्चे आपके बड़े डिप्राइव्ड हो जाएंगे। तो ये बड़ा एक इंक्लूसिव अप्रोच होना चाहिए कि आप इंक्लूसिव अप्रोच में काम करें और बच्चों को उस हिसाब से तैयार करें कि वो अगर स्कोर इम्पोर्टेंट नहीं है तो क्या कोर इम्पोर्टेंट होगा उस पर वो काम होना चाहिए और वो ही कोर आगे चल करके उस बच्चे को काम में भी आना।